अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान और आप देख रहे हैं सी टेक। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर एक्सपो सेंटर पे और इस वक्त हम मौजूद हैं एमजी के शो पे और एमजी की कुछ कार्स वगैरह खड़ी हुई हैं, वो चल के मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि एमजी जो है फ्यूचर क्या क्या कुछ करने वाली है। एक तो अभी तक उन्होंने रिवील नहीं की और वो एमजी जीटी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बाकी एक इलेक्ट्रिक कार खड़ी हुई है मार्वल, वो मैं आपको आगे चल कर दिखाता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप मेरे चैनल बड़ी हुई चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं एमजी के शो पॉइंट पे, यहाँ पे एमजी की कार्स वगैरह अवेलेबल हैं। Marvel R and it's totally electric car, as you can see ये electric car है, ठीक है। आप इसके लुक देख सकते हैं, अभी इसके इंटीरियर में तो नहीं जा सकते, जस्ट इसका एक्सटीरियर मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक्सटीरियर की बात करें तो अगर इसकी बैक साइड में आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इसकी बैक साइड है और ऑल व्हील ड्राइव है ये वेरियंट, ठीक है, और ग्रे कलर में काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये कार। तो ये आप देख सकते हैं इसके जो हैंडल्स हैं ना वो ऑटो हैं, मतलब जब हम इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे और हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा इंटीरियर की मैं आपको फर्स्ट लुक आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको नज़र आ रही हो तो इसके अंदर हमें काफ़ी बड़ा एक पैनल मिल रहा है। और अभी आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड ड्राइविंग वाली कार है, इट्स मीन कि ये मेड इन पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में आएगी और आलमोस्ट इसी किस्म की आएगी। तो आपको मैं इसकी फ्रंट लुक दिखाता हूँ, तो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं इसकी, इसकी जो लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं इसकी लाइट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी फ्रंट लुक और एंटायरली एक डिफरेंट कार लग रही है, मतलब एक यूनिक किस्म की चीज़ लग रही है ये। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइव सीटर है बट वैसे जो है ये क्रॉस ओवर एस यू वी कैटेगरी में आती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये एमजी की ब्रांडिंग। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे, ये आप देख सकते हैं इसमें एलईडी का यूज़ किया गया है। तो नीचे वाली तरफ आप इसकी लाइट्स देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसका जो टायर है उसका साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ, तो टायर साइज ये आप देख सकते हैं। एमजी का लोगो है और इसके बाद वहाँ पे एमजी एचएस और ZS वगैरह सभी खड़ी हुई हैं। और ये जो है ना ये है एमजी जीटी जो कि आई डोंट नो कितने बजे इसको रिवील करेंगे बट करेंगे ज़रूर, ठीक है। और आई होप कि ये होगी भी येलो कलर में, ठीक है। तो मैं वो नीचे चल के ना दिखाता हूँ इसकी लोग। तो ये आप देख सकते हैं मार्वल और काफ़ी खूबसूरत लुक है इसकी, ठीक है। तो अब इसका इंटीरियर ओपन हुआ है वो मैं आपको आगे चल के चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे HS प्लग इन हाइब्रिड जो है वो अवेलेबल है। अब चल के मैं आपको जो मार्वल आ रहा है उसका इंटीरियर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अभी इसकी जो रिवीलिंग थी ना वो थोड़ी सी लेट थी, इस वजह से हम अभी जा रहे हैं तो वही एमजी जीटी है, तो ये प्लग इन हाइब्रिड खड़ी हुई है। तो यही कुछ है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।